अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। ये जेई मेन का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स जो 27 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें कैपेसिटर को भी इंक्लूड किया गया है। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जब होगा तब कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा। स्टेडी स्टेट में हम लोग एक चीज जानते हैं कि कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं है, वो पूरी तरह जब चार्ज हो जाता है तो करंट उससे पास होना बंद हो जाता है। जब करंट पास होना बंद हो जाएगा उस समय उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बता पाते हैं किसी तरह से, तो आप उस पर चार्ज भी बता लेंगे, राइट। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स हमें करना पड़ सकता है। हमें क्या करना है, ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह चार्ज हो चुका है तो इसमें जो करंट है आई वो जीरो है। जब ये जीरो है तो इसको थोड़ी देर के लिए सर्किट से हटा लीजिए और इत्मीनान से हम लोग ए और बी का पोटेंशियल पता करेंगे, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे। तो क्या करें सर इसका पोटेंशियल पता करने के लिए? इसका पोटेंशियल पता करने के लिए सर एक काम कर सकते हैं, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वोल्टेज का उसको मान लेते हैं जीरो पोटेंशियल पे, ये जीरो पोटेंशियल पे, जीरो पोटेंशियल पे। ऊपर वाले का पोटेंशियल कितना? 10, और यहाँ पे भी वो 10 वोल्ट आएगा क्योंकि बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब ये इतना बात पता चल गया तो क्या हम ये करंट निकाल सकते हैं? इसमें जो करंट आ रहा है I1, इधर से जा रहा है करंट I2, और वही सेम करंट यहाँ से निकलेगा क्योंकि बीच में कुछ करंट बट नहीं रहा, ये I1 और इधर से आ गया हमारा I2। अगर I1 मिल जाए तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे I1 मिलेगा? तो आप यहां से इसका नाम रख देते हैं C, और इसका नाम रख लेते हैं D। C और D पे फोकस करिए, इधर वाले ब्रांच पे खास करके। इसमें करंट जा रहा है I1, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना होगा क्योंकि ये अब सीरीज में है, इसमें करंट सेम करंट पास हो रहा है, करंट का बंटवारा कहीं नहीं हो रहा, मतलब 1 ओम और 2 ओम सीरीज में, उसी तरह दूसरी तरफ 3 और 4 सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया इस लाइन का, इधर से जो हम जा रहे हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2, 3 ओम। करंट कैसे आएगा? I1 सर, I1 होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस विच इज 3। हाँ ये मिल गया। अब पॉइंट ए का अगर पोटेंशियल पता करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 माइनस ए का पोटेंशियल VA डिवाइडेड बाई क्या करेंगे सर, रेजिस्टेंस विच इज 1 ओम। V/1 ओम करेंट हो जाएगा, करेंट क्या है, यही I1 है। करेंट I1 हो गया कितना, हो गया I1 कितना, हो गया 10/3। इसको सिंप्लीफाई करके V1 पता किया जा सकता है, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं सर। ये 30 माइनस 3 VA दिख रहा है और दूसरी तरफ हमें 10 दिख रहा है, तो क्या VA सर होना चाहिए 30 माइनस 10, 20 20/3। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम I2 के लिए, 3 और 4, 7 ओम का। अब इस वाले सर्किट पे फोकस करते हैं, इस वाले पे 3 प्लस 4, 7 ओम रेजिस्टेंस हो गया। करंट I2 क्या होगा? I2 सर 10/7 होगा, पीपी आपने जैसे बताइए बताया। बी का पोटेंशियल अगर पता करना है तो क्या करेंगे, बी से डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, VB-VD। VD किस कितना मान लिया गया है, 0 डिवाइडेड बाई 4। इसमें जो करंट है वो कितना है, I2 है, यानी 10/7, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 VB इज इक्वल टू 40, एंड VB इज 40/7। देखिए 40/7 बड़ा है या 20/3 बड़ा है, 20/3 ही बड़ा लग रहा है। तो हमारे पास अब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया और कैपेसिटेंस भी मालूम है, तो चार्ज जो होता है क्यू, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यू इज इक्वल टू CV होता है, C इज 6 माइक्रो फैराड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये 20/3 माइनस 40/7 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है,
सिंप्लीफाई करना है तो मिल जाता है हमें 6 माइक्रो लगा देंगे, माइक्रो कूलम आएगा लास्ट में, इनटू 7 × 20, या आप ऐसे करिए 20 कॉमन ले लेते हैं, या बचा 1, 7 − 6 / 3 × 7, राइट ना। सर एक 3 को यहाँ से उड़ाया जा सकता है 6 के साथ, 2, ये आ गया 40, 7 − 6 हो गया 1, 40/7 μC, कुछ ऐसा आ रहा है रिजल्ट। कोई आंसर मैच कर रहा है 40/7 μC? यस, इट्स इन ऑप्शन ए, चेक करें ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा।